गुड मॉर्निंग, मैं सीमा मीना, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय चित्तौड़गढ़ के प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम में आप सभी छात्राओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं यह आशा करती हूँ कि हमारी जो प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम के अंतर्गत जो श्रृंखला चल रही है, पहली श्रृंखला जिसमें राजस्थान के इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है और दूसरी श्रृंखला जो आज से शुरू होने जा रही है जिला दर्शन, उसका आप निरंतर अध्ययन करके प्रतियोगी परीक्षाओं में उच्च स्थान हासिल करेंगे। आज से हम विभिन्न संभाग और जिलों का अध्ययन की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम 33 जिलों का अध्ययन जिला दर्शन के माध्यम से करेंगे। उसके बाद हम संभागों का अध्ययन करेंगे। आपको ज्ञात है कि राजस्थान में 33 जिला और 7 संभाग हैं। 7 संभागों में क्रमशः बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, अजमेर संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग सम्मिलित हैं। बीकानेर संभाग के अंतर्गत श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू जिले सम्मिलित हैं। वहीं जोधपुर संभाग में जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालौर और सिरोही जिले आते हैं। उदयपुर संभाग में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले सम्मिलित हैं। अजमेर संभाग में नागौर, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा आते हैं। कोटा संभाग में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ आते हैं। भरतपुर संभाग में भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिले सम्मिलित हैं। वहीं जयपुर संभाग में झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा और अलवर जिले आते हैं। इसे हम इस मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। बच्चों, आज से हम चूरू जिले से जिला दर्शन की शुरुआत करेंगे। चूरू जिले में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, साथ ही बीकानेर जिला भी ऐसा है जिसमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, अर्थात राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। चूरू जिले की स्थापना 1620 ईस्वी में चूड़ा या चूरू जाट ने की थी। यह हवेलियों, काले हिरणों, टीलों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों में प्रमुख हैं सुराणा हवेली, जो कि 6 मंजिला है। इसमें कुल खिड़कियां और दरवाजों को मिलाकर संख्या इनकी 1100 है। यह सुराणा परिवार द्वारा निर्मित थी। कोठारी हवेली, खेमका इम्पार्कों की हवेली, दानमल चौपड़ा की हवेली और कन्हैया लाल बागला की हवेली अन्य प्रमुख हवेलियां हैं। इनके अतिरिक्त ढोला मारू के चित्र, 8 खंभों की छतरी जो कि सेठ जी की छतरी कहलाती है, टकड़ौतों की छतरी और गंगा जी का मठ यहां प्रसिद्ध है। प्रमुख मेलों की यदि हम बात करें तो यहाँ सालासर बालाजी का मेला, भभूता सिंह का मेला, गुगा जी का मेला और साहबा के गुरुद्वारे में जो सिखों का मेला भरता है वो प्रसिद्ध है। सालासर बालाजी का मेला सालासर सुजानगढ़ चूरू में भरता है। यह चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा, अर्थात ये 2 बार भरता है, एक बार चैत्र पूर्णिमा को और दूसरी बार आश्विन पूर्णिमा। नेक्स्ट है भभूता सिंह का मेला, ये चंगाई तारानगर में भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को भरता है। गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू में गोगा नवमी अर्थात भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। सहावा का गुरुद्वारा सहावा चूरू में अवस्थित है। यहाँ सिखों का राज्य में सबसे बड़ा मेला भरता है। चूरू का किला, इसका निर्माण 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। यह 1739 वही ईयर है बच्चों जब
भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। मोहम्मद शाह रंगीला उस टाइम मुगल बादशाह थे और ये तख्ते ताऊस और कोहिनूर हीरा अपने साथ लेके चले गए थे। चूरू के किले को चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। जब बीकानेर में महाराजा सूरत सिंह का शासन था उस समय बीकानेर की सेना ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था और यहाँ ठाकुर शिव सिंह का अधिकार था। उन्होंने ठाकुर शिव सिंह ने इस चूरू के किले की अस्मिता को बचाने के लिए बारूद के गोले ख़त्म हो जाने पर चांदी के गोले दागे थे। चूरू के किले में गोपीनाथ जी का मंदिर भी अवस्थित है। यहाँ प्रमुख मंदिरों की यदि हम बात करें तो गोगा जी का मंदिर, सालासर बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर प्रमुख हैं। गोगा जी का मंदिर ददरेवा चूरू में अवस्थित है। ददरेवा गोगा जी की जन्मस्थली है, इसे शीश मैड़ी भी कहा जाता है। यहाँ गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला भरता है। शीश मैड़ी की जब बात आई है तो हम शीश मैड़ी और धुर मैड़ी में अंतर समझ लेते हैं। शीश मैड़ी गोगा जी की मृत्यु के समय जब जहाँ उनका शीश कटकर गिरा वो स्थान शीश मैड़ी कहलाया और जहाँ उनका धड़ गिरा वो धुर मैड़ी स्थान कहलाया। शीश मैड़ी ददरेवा चूरू में है, वहीं धुर मैड़ी नोहर हनुमानगढ़ में अवस्थित है। शीश मैड़ी में गोगा जी का मंदिर है और यहाँ जो मेला भरता है उसका नाम है गोगा जी का मेला। वहीं धुर मैड़ी में गोगा मैड़ी का मंदिर है और वहाँ गोगा मैड़ी का मेला भरता है। नेक्स्ट है सालासर बालाजी का मंदिर। यह सिद्ध हनुमान पीठ है। यह सालासर सुजानगढ़ चूरू में अवस्थित है। इस मंदिर के भीतर जाल का वृक्ष है जहाँ धागा बांधा जाता है और नारियल चढ़ाया जाता है। 1754 ईस्वी में मोहनदास जी ने इसका निर्माण करवाया। यहाँ हनुमान जी की दाढ़ी मूछ एवं तिलक युक्त विग्रह मतलब प्रतिमा अवस्थित है। यहाँ चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा दो बार मेला भरता है। नेक्स्ट है तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का प्रमुख मंदिर आंध्र प्रदेश में अवस्थित है और राजस्थान में तिरुपति बालाजी का मंदिर चूरू जिले में सुजानगढ़ में अवस्थित है। इसका निर्माण वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा करवाया गया था डॉक्टर नागराज और वेंकटाचार्य की देखरेख में। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की हूबहू प्रतिकृति अर्थात नकल है। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य। ताल छापर सुजानगढ़ चूरू में अवस्थित है। ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यही द्रोणपुर स्थान भी है जो गुरु द्रोणाचार्य से संबंधित स्थान है। दुधवा खारा। दुधवा खारा चूरू जिले में अवस्थित है। ये किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। कांगड़ा कांड 1946 ईस्वी में यही हुआ जिसका नेतृत्व हनुमान राम चौधरी ने किया। इस समय बीकानेर के शासक महाराजा शार्दुल सिंह थे। नाहटा संग्रहालय सरदार शहर चूरू में अवस्थित है। यह नाहटा परिवार द्वारा निर्मित है और यह संग्रहालय भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यह चूरू जिला था। बच्चों मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि ये जो मैंने स्क्रीन पे आपको नोट्स दिख रहे होंगे उनको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे और आपको अच्छे अंक दिलाने में सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।